नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड पंचनामा। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। इस हफ्ते चार फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अनुपम खेर, जिनके अभी कुछ ही समय पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी, आज उनकी फिल्म वन डे जस्टिस रिलीज हुई है। इसके रचयिता, इसके निर्देशक केतन पटेल, कमलेश सिंह कुशवाहा, स्वाति सिंह है, जिसमें अनुपम खेर एक जज का किरदार निभाते नजर आएंगे। अनुपम खेर इस मूवी में जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होती है, उस दिन वो सब पुरानी बातें सोचते हैं और याद करते हैं कि मैंने अपने करियर में बहुत से गलत डिसीजंस लिए हैं, जिनको उन्होंने इतने ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज अपना रिटायरमेंट के दिन सोचते हैं कि मैं जो गलतियां की हैं, मैं उन सब गलतियों को सुधारूंगा और वो हर वो फाइल खुलवाऊंगा जिनको मैंने बाइज्जत बरी किया था, और उन सब से बदला लूंगा और उन सब से सच उगलवाऊंगा। इसमें जो सेकंड लीड एक्ट्रेस है, उनका नाम है ईशा गुप्ता, जो कि क्राइम ऑफिसर का किरदार निभाते ही नजर आएंगी, जो कि एक हरियाणवी लैंग्वेज बोलने वाली ऑफिसर है और बाद में वो मुंबईया बन जाती है। हमने लोगों से सर्वे किया तो सर्वे जानकर पता लगा कि इस मूवी के सॉन्ग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लाउड है, लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना दम जवाब आती है या नहीं। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अगली बार फिर लौटेंगे किसी नई मूवी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।